दाढ़ी इतनी लंबी आपने बढ़ा ली है, आप ये समझिए सतयुग में पाप का घड़ा भरता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है, इतना ही फर्क है। अमेरिका में हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, तो प्रचार यहाँ क्यों हुआ? इनके बाप दादा का पैसा था जो फूंक लगा दी, आंख लगा दी हाउडी मोदी के लिए, मोदी चाय बेच के लाया था जो उस पैसे में आंख लगा। देश के अंदर आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हों, और सुनिए देश के अंदर 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हों, यूपी पुलिस में हों, दिल्ली पुलिस में हों। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे देशद्रोही हैं। सचिन तेंदुलकर अपने बेटा को आईपीएल इंडिया टीम में खिलाने के लिए मोदी का चमचाई कर रहा है अर्जुन तेंदुलकर को। अब सुन लीजिए, जो लोग किसानों के अनाज खाते हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, जो गोबर खाते हैं वो मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी से बड़ा सेलिब्रिटी है रेहाना। अक्षय कुमार जो है, हर कोई भी ऐड होता है, बनियान की ऐड हो, कच्चे की ऐड हो, कोई भी ऐड हो, तेल की ऐड हो, वहाँ पे किसको घुसा देते हैं? जवानों को। आपने कहा कि अजय देवगन, देखिए वो केसर के नाम पे कैंसर बेचता है और उसको आप देशभक्त कह रहे हैं, और उन लोगों का करियर खत्म हो गया है इसलिए मोदी का चमचाई कर रहे हैं। अगर जीतने चाटने का अगर कंपटीशन होगा ना, ये बॉलीवुड के अक्षय कुमार और अजय देवगन ही जीत जाएंगे, क्योंकि ये मोदी का चाटना शुरू कर दिए हैं। मैं इसको एक डायलॉग बोलना था पाकिस्तान के खिलाफ, उसने मना कर दिया था कि मेरे पाकिस्तान में फैन है, मैं नहीं बोलूंगा, और वही आदमी आप देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे दौर में जब जुबान पर पाबंदी है, सच बोलने पर जेल होती है, मेरे साथ मोहित हैं, जो लगातार किसान आंदोलन हो चाहे CNRC हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दे पर हैं उस पर बात करते हैं। आज फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर हैं मोहित। सरकार, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि इसमें एक भी खराबी नहीं है। हाँ, तो कृषि मंत्री तो भैया उन्हीं को किसान समझ रहे हैं ना। हेमा मालिनी अपने टॉप फ्लोर पे गन्ना उगा रही हैं, समझ रही हैं, सेकंड फ्लोर पर वो गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है। साक्षी महाराज भी उगा रहे हैं अपने घर के अंदर गन्ना गेहूं, और पार्लियामेंट में सारे नेता खेती ही कर रहे हैं, तो किसान है ही कहाँ? यहाँ तो सारे आतंकवादी हैं, सारे किसान तो वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच गए ना, तो यहाँ किसान बचे ही कहाँ हैं? हेमा मालिनी जी वो मुंबई में जाके खेती कर रही हैं, और इतनी खेती कर रही हैं कि मुंबई वालों का पेट भर रही हैं, और यहाँ पर कृषि मंत्री हो गए, तमाम हो गए, साक्षी महाराज हो गए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, वो तमाम लोगों का पेट भर रहे हैं अनाज उगा उगा के। तो भैया ये समझिए, ये किसान नहीं है। आप मुझे ये दिखाइए, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ठीक है, और मैं खालिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, पीछे खड़े आतंकवादी हैं, आप ये समझिए, ठीक है। बाकी सारे किसान अगर आपको देख रहे हैं और किसानों का इंटरव्यू लेना है तो आपको जाना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और दूसरी बात, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम तो इन्हें बुलाने के लिए तैयार हैं। आप क्या झुग्गी में रहते हो कि कोई भी आएगा, घुसेगा और टेंट का पर्दा उठाएगा और घुस जाएगा अंदर? है, जब देश का किसान राजधानी में घुसता है तो लठों से स्वागत किया जाता है, ऐसे आएगा? जब देश का किसान पहले दिन देश की राजधानी में एंट्री करना चाहता है तो उसको वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर तमाम तरीके के कोबरा वायरस का प्रयोग किया जाता है, वो कोबरा वायर जो खेत में नहीं लगती लेकिन किसानों के लिए लगती हैं, तो कैसे वार्ता बनेगी? मोदी जी कहते हैं कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी हैं, नंबर कहाँ है, किस पे है नंबर? है, ये इतने कलाकार आदमी हैं कि मोदी जी और शेख सिल्ली दोनों एक समान हैं। मोदी जी और शेख सिल्ली, वो भी चिल्ली, हाँ जी बिल्कुल, वो भी झूठ बोलते हैं और वो भी झूठ बोलते हैं। अगर आप ये समझिए, इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान हैं, कुछ करो, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी, और उधर उधर शेख सिल्ली कहेगा कि रखते तो आप मेरी खोर में ही हो। तो ये दोनों एक समान है, आप इधर सुन लो या उधर सुन लो, बात एक ही है। दाढ़ी इतनी लंबी आपने बढ़ा ली है, आप ये समझिए सतयुग में पाप का घड़ा भरता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है, इतना ही फर्क है। इतनी लंबी आपने दाढ़ी बढ़ा ली। वो बंगाल जीतने जा रहे हैं, कैसे जीतेंगे? हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू उनके साथ बना हुआ। बाप रे, तो हमें क्या हिंदू का सर्टिफिकेट कहाँ से मिल रहा है? मैं भी तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या कहीं से? कहाँ से मिल रहा है सर्टिफिकेट? RSS से। और कितना विकास, ये मोदी है तो मुमकिन है, सीधे 30 IAS अफसरों की भर्ती हो रही है, इंटरव्यू क्या था? अरे आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं विकास विकास, मोदी जी के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नजर नहीं आया, पता नहीं कौन से कोने में सो रहा है इनका विकास। इनके विकास को जगाने के लिए इतने सारे विकास हैं कि अभी भी यहाँ वाल लगा दूंगा, विकास तो 10 खड़े हो जाएंगे आके, तो इसीलिए विकास का नाम
ना लें तो ही बेहतर है। और आप ये देखिए, ये तो और भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा कि विकास, वरना वो पूरे क्षेत्र के लोगों का नाम विकास ही रख देंगे कि जहाँ पता कर लो वहीं विकास है। वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, मल्टी, ये एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आप अगर इनको देखें तो ये देश के अंदर आर्टिकल 19 इजाजत देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, लोगों से आज आप देखिए उनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। भारत जिसमें आप कहते थे ना, जो आप कह रहे हैं ना कि ये लगाए हुए कटीले तार, यही है 21st सेंचुरी, जिसे आप कहते हैं 21वीं सदी। और मेरे ख्याल से इस 21वीं सदी से बहतर वो 19वीं, 18वीं और 16वीं सदी थी, जिसके अंदर कम से कम एक भाई दूसरे भाई का खून तो नहीं बह रहा था। आप मात्र चंद वोटों के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसी को कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है। आज तो पत्रकारों से भी पूछा जाता है कि आप किस उसके हैं, किस पार्टी से हैं, मतलब पत्रकार भी पार्टी से होने लग गए हैं। तो कुछ पत्रकारों ने, देखिए आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि जब देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, उनकी किस तरीके से निर्मम हत्या हुई पूरे देश ने देखी है, उसको लेकर कोई बात नहीं करता। जब एक पत्रकार के, पूरे पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, उस दिन देश का चौथा लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। लेकिन अर्णव गोस्वामी, आप लोग किसान का विदेश कनेक्शन है, अब तो ये आतंकवादी पाकिस्तान से, तो रिहाना ट्वीट कर रहे हैं इनके लिए। तो एक बात आप मुझे बताइए, रिहाना ट्वीट कर रही है तो जब यही अमेरिका जब मोदी जी की तारीफ करता था तो विदेश कनेक्शन ये रिश्ता क्या कहलाता था, ये बताइए ना। यही अमेरिका तो तारीफ करता था, मैं विदेश जाएंगे इनको, ये लोग, ये तो रिहाना से ही लोग कनेक्शन रख रहे हैं, इतना बड़ा पॉप सिंगर है दुनिया की। जब मोदी जी जो पाकिस्तान, विदेशी ताकतों का हाथ है इस आंदोलन में, तो आप भी विदेशी ताकत से हैं क्या? हम तो पकड़ने आए इन लोगों को, विदेशी ताकत। रिहाना बारबाडोस की लड़की अमेरिका में रहती है, सुनिए, ये भारत की मातृभूमि का हाथ है जो देश के किसान का हाथ देख रहे हैं, और इतना मजबूत हाथ है कि ये खेत के अंदर हल जोत जोत के इतना मजबूत हो गया कि अगर ये हाथ पाकिस्तान और चाइना के सामने, और रिहाना को जानते हैं, रिहाना को जानते हैं वो 44 तो ये कैसे आप लोग के लिए ट्वीट, कोई कनेक्शन है आप लोग का? ये सरकार, ये पूरी मीडिया लग गई कि अभी आप भी शंभू भाई कैसी बात करते हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं फिर इनसे सवाल कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपको पता है गन्ना कैसे उगता है? पता है, है? गेहूं पता है कैसे उगता है? मक्का पता है कैसे उगता है? मुझे पता है, तो बताओ कैसे उगता है। गन्ना मैंने खुद लगाया, गन्ना नहीं मक्का, मक्का, मक्का जो है ना वो एक एक बीज डाला जाता है और फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी चिनाई होती है, दोनों तरफ बार लगाते हैं, फिर पानी मक्का में सबसे ज्यादा पानी। मैंने खेती, मैं तो खेत भी नहीं हूँ, मैं तो मजदूर रहा हूँ। आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप देश के किसान से पूछ रहे हैं रिहाना की बात, ये देश का किसान ये जानता है कि गेहूं कैसे उगता है, मक्का कैसे उगता है, ज्वार कैसे उगता है। रिहाना ने कैसे ट्वीट किया? तो इसने क्या फोन करा कि ये ले, मिला फोन, मिला रिहाना को, इसने इसने मिलाया क्या, इस देश के किसान ने मिलाया क्या? आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के सारे सचिन, अक्षय कुमार, ये सब काहे किसान के खिलाफ, ये लोग देश। चलिए आप पत्रकारिता करते हो, आपको बहुत समय हो गया, आप ही मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए फिर। आप मुझे ये बताइए, अक्षय कुमार कहाँ का, पूरा नाम कहाँ है, पूरा नाम क्या है, दिल्ली का है, विदेशी है वो खुद ही। अरे रिहाना को आप लोग कैसे जानते हैं? अरे रिहाना को कैसे जानते? विदेशी है, आप ये बात समझिए, विदेशी क्या? आप लोग रिहाना को कैसे जानते? रिहाना ने कैसे ट्वीट किया आप ये बताइए। अरे यार एक आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप लोग का रिहाना से कनेक्शन है? अरे कनेक्शन को हम बता दे, क्या कनेक्शन है? इंसानियत का कनेक्शन है, मानवता का कनेक्शन है, जहाँ पे अगर कोई भी, अगर कोई भी गलत आदमी, तो क्या क्या कंगना रनौत इंसान नहीं है? कंगना रनौत तो इतनी बढ़िया इंसान है, वो तो आतंकवादी बता रही है, ये बताओ। सुनो सुनो, ये रिहाना, रिहाना का इन लोगों को सही में पता नहीं था, ये अंधभक्तों ने और कच्चाधारियों ने और जो उनकी जो आईटी सेल है उसने रिहाना का, आप लोगों का विदेशी कनेक्शन है, आप लोग इस आंदोलन में विदेशी ताकत है। हाँ, विदेशी कनेक्शन हमारा है और बिरयानी पाकिस्तान की मोदी जी खा रहे हैं, स्वागत उनका वहाँ हो रहा है, विदेशी कनेक्शन हमारा है। मोदी जी अमरीका के लिए जाते हैं, ट्रम्प का, ट्रम्प की तरफ। अरे कितना करोड़ रुपया मिला है रिहाना ने, कितना दिया है? अच्छा यहाँ पर नहीं मिलता, सचिन को नहीं मिलता, एक ट्वीट करने का सचिन को नहीं मिलता, अक्षय कुमार को नहीं मिलता, बस अपनी अपनी पॉपुलैरिटी है। सुनिए सुनिए, आप में से सुनिए एक बात मुझे बताइए, ये जो चुनाव हुआ था अमेरिका में हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, तो प्रचार यहाँ क्यों हुआ?
इनके बाप दादा का पैसा था जो फूंक लगा दी, आंख लगा दी हाउडी मोदी के लिए, मोदी चाय बेच के लाया था जो उस पैसे में आग लगा दी। रिहाना ने आप लोगों को 500 करोड़ रुपया दिया है, रिहाना ने 500 करोड़, उसमें आपका भी हिस्सा होगा। अच्छा बताइए, सचिन क्यों खिलाफ है आपका? सचिन क्यों खिलाफ? सचिन ने ट्वीट किया है। किस तरीके का ट्वीट किया आप पढ़ के बताइए। सचिन ने कहा है कि हमारे देश के मसले में आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। जिन आपने तमाम लोगों की बात करी है, एक मिनट, एक सचिन एमपी है राज्यसभा से, तो उसकी मजबूरी है कि जो सरकार बोलेगी उसको वो बोलना पड़ेगा। अनिल कुंबले इनकी एक टीम है जो आईटी टीम है बीजेपी की, वो सबको पैसे देती है। साइना नेहवाल अक्षय कुमार, अनिल कुंबले, तीनों के ट्वीट एक जैसे है, कॉमन है। तो मतलब तीनों एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन करवा रहे ट्वीट, इसकी जांच होनी चाहिए। रिहाना को पैसा लिया आप लोग? रिहाना ने कितना पैसा दिया? रिहाना के पास बहुत पैसा है, उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। रिहाना कोई देश नहीं है। कंगना रनावत तो झांसी की रानी है, उसने क्यों आप लोग? वो अपने आप से बनी हुई झांसी की रानी है, अपने आप से बनी हुई। उसको किसी ने झांसी की रानी नहीं बनाया। कंगना रनावत का एक छोटा सा बिल्डिंग टूट जाए तो मोदी अपनी पूरी फोर्स लगा देते हैं, सारे कुछ लगा देते हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जाता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जिन तमाम लोगों का आपने नाम लिया देश के अंदर, आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हों। और सुनिए, देश के अंदर 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हों, यूपी पुलिस में हों, दिल्ली पुलिस में हों। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे देशद्रोही हैं। आप सर्टिफिकेट बांट अक्षय कुमार को कहते हैं देशभक्त। अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है और भारत की नागरिकता है, अगर यही बात। एक बताओ भाई, मोदी जी ने कहा है अभी मोदी राज में 30 IAS बनेंगे बिना परीक्षा के, ये ठीक है कि खराब है? नहीं, ये खराब है। क्यों? बिना परीक्षा के IAS बनेगा क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ पे घपला है, इसका मतलब घपला है कि आप लोग मोदी जी का कोई काम पसंद नहीं आता है। मोदी जी का एक काम पसंद आता है, एक काम पसंद आता है मोदी जी का, मन की बात ही पसंद आता है बस। तो बोलिए हर हर मोदी। नहीं, बहुत बोल लिया, बार बार मोदी। सुनिए, हम सुनिए, मई के महीने में हम तो दिवाली मनवा दी थी मोदी जी ने। हाँ। हमें भी बता दो कौन से टाइम पे आवे दिवाली, मई के महीने में आवे या अक्टूबर नवंबर में आवे? लोग हर हर महादेव बोलने वाले लोग हैं, हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हर हर मोदी नहीं बोलते। रिहाना से कितना पैसा लिए हैं? आपको कितना मिला है सरकार की वकालत गिरी करने का? हम लोग तो सरकार से सेट है, आप बताइए। तो आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ का भारत का एक आम आदमी एक काउंसलर से नहीं मिल पाता और आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं रिहाना से मिल लिया? मैं बताता हूँ, वो ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि रिहाना हो गई और एक ग्रेटा थनबर्ग हो गई, मतलब वो दुनिया में उनको सब जानते हैं, उनको किसी के पैसे की कोई जरूरत नहीं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो किसी से पैसे लेके ट्वीट नहीं करेंगे। आपका सारा हीरो अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, जिसको आप लोग आंखों पर बैठाए हुए थे, वो क्यों खिलाफ हो गया? वो इसलिए खिलाफ है, वो सरकार के साथ इसलिए क्योंकि हो सकता है जब वो खत्म हो जाए उनका करियर तो राज्यसभा के एमपी बन जाए वो, या फिर हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट संस्था में वो बन जाए, हो सकता है कोच बन जाए इंडियन टीम के, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। मोदी जी सीधे IAS बना रहे हैं, अब इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई चाहिए क्या? बिना परीक्षा IAS बने तो सबको बनाए, फिर बिना परीक्षा के सबको बनाए IAS, सबको गवर्नमेंट जॉब दे। बिना परीक्षा के तो मैं भी बन जाऊंगा IAS। बिना परीक्षा के जब किसी को ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं भी बन जाऊंगा, ये भाई बन जाएंगे। सब तरीके से कीजिए, जो बिना पढ़े बिना नॉलेज के बिना कुछ करे जो IAS बनेगा वो फैसले कैसे करेगा? और क्या फैसले कैसे करेगा? अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी सरकार में। रिहाना से कितना पैसा लिया आप लोग? हमने तो एक भी नहीं लिया, आपने लिया हो तो बताओ, हमारे पास तो आई नहीं। आपके पक्ष में ऐसी ट्वीट कर रही है, यहाँ IT सेल वाले को 2 रुपया पर ट्वीट मिलता है, आपके पक्ष में फिर आपको देख के मतलब आपको इन सबको देख के लगता है ऐसा कि ये पैसे लेके मतलब ये रियान को पैसे देंगे ट्वीट आप लोगों? अच्छा, यहाँ आने के लिए कितना पैसा मिलता है किसे? हम पैसे वाले दिख रहे हैं आपको? सर हम पैसे, आप मुझे ये बताइए, आप रिपोर्टिंग, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हो, आपको कितने पैसे मिले हैं आप मुझे ये बताइए? यहाँ पे हम पैसे लेके नहीं आते, यहाँ पे हम पैसे पैसे के लिए आ रहे। किसानों के साथ हमारा दिल का कनेक्शन है, क्योंकि किसान अनाज उगाते हैं तभी खाते हैं, इसीलिए बॉर्डर पे आए हैं।
इसीलिए किसानों के साथ खड़े हैं। और बात जो जो किसानों के आंदोलन के खिलाफ वो अन्न नहीं खाता, वो गोबर खाता है। सचिन तेंदुलकर की बात किए हैं आप, सचिन तेंदुलकर अपने बेटा को आईपीएल इंडिया टीम में खिलाने के लिए मोदी का चमचाई कर रहा है अर्जुन तेंदुलकर को। अब सुन लीजिए, जो लोग किसानों के अनाज खाते हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, जो गोबर खाते हैं वो मोदी के साथ खड़े हैं। हम अनाज खाते हैं इसलिए मोदी के साथ है। और रेहाना की बात कर रहे हैं, मोदी से बड़ा सेलिब्रिटी है रेहाना, मोदी जी का 6.60 लाख ट्विटर फॉलोवर है, और उसका जाके पता कर लीजिए कितना है, 100 मिलियन। मोदी जी से बड़ा वो सेलिब्रिटी है। वो देख रही थी कि ये मोदी सरकार किसानों के साथ कितना अन्याय कर रहे थे, इसलिए हम लोगों के लिए बार हम तो सुने कि कुछ पैसा भी भेजिए मोदी जी के प्रधानमंत्री क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं। और पहले बार ऐसा हुआ, एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि हरियाणा ने ट्वीट किया हमारे फेवर में, ठीक है, और पूरा विदेश मंत्रालय लग गया कि मतलब एक ऐसा वो चला दिया प्रोपेगेंडा, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये गलत हुआ है। और भाई वो कोई देश नहीं है हरियाणा, कोई देश नहीं है, वो एक आम आदमी है वहाँ की, यूएस की, ठीक है, अगर वो कुछ बोलती है तो यहाँ का आम आदमी उसके उसके खिलाफ बोलेगा, विदेश मंत्रालय नहीं बोलेगा। आप लोग का कनेक्शन है हरियाणा से, खेती का कनेक्शन है, रोटी का कनेक्शन है, देखो वहाँ पर बोर्ड लग रहा है एक रोटी का, अगर आपने उसको जानते हो ना तो किसानों का साथ दो, जाके देखो आप उसका। मुझे पत्रकार महोदय एक बात बताइए, जब जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, मोदी ने तब से पहले तो मोदी ने ही जाके बाहर के लोगों को प्रचार करा था ना, हरियाणा ने करा था ना, हरियाणा ने ट्वीट किया, पहले तो मोदी गए थे उनके, जब हरियाणा ने ट्वीट बोलने के लिए, जब हरियाणा ने ट्वीट किया सरकार ने क्या बोला, आंतरिक मामले, आंतरिक मामले, जब वहां पे इलेक्शन हो रहे थे यूएस के अंदर, वो उनका आंतरिक मामला नहीं था क्या? यहाँ पे उस समय हस्तक्षेप किसने किया? हमारे पीएम गए वहाँ पे करने के लिए प्रचार के, मतलब अब की बार ट्रंप सरकार आया कौन? बाइडेन, यूएस से, यूएस हमारे अगेंस्ट हो गया, कोई बाइडेन तो सपोर्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि सरकार आपके देश की हीरो हीरोइन क्यों आप लोगों के खिलाफ? हीरो हीरोइन देखो वो हमारे देश की हीरो हीरोइन नहीं है, वो नकली हीरो है, सभी असली हीरो है किसान। अजय देवगन नकली है, नकली है, अच्छा कुमार नकली है, सब नकली है, कंगना रावत नकली है, सब नकली है। एक सेकंड मैं बताना चाहता हूँ आपको, अक्षय कुमार जो था, एक सेकंड, अक्षय कुमार जो है, हर कोई भी ऐड होता है, बनियान की ऐड हो, कच्चे की ऐड हो, कोई भी ऐड हो, तेल की ऐड हो, वहाँ पे किसको घुसा देते हैं? जवानों को। जबकि 2014 से पहले, एक सेकंड, जबकि 2014 से पहले देशभक्ति बेचता है वो, कौन? उसने बिजनेस बना रखा है अक्षय कुमार ने, 2014 से कनाडा की उसने नागरिकता ले रखी है, और जो है सबसे बड़ा देशभक्त बनता है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर। सिर्फ क्या है, उसे फायदा मिलता है। 2014 आपने कहा कि अजय देवगन, देखिए वो केसर के नाम पे कैंसर बेचता है, और उसको आप देशभक्त कह रहे हैं, उसको देशभक्त कह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं वो मोदी सब मोदी के गुलाम बन चुके हैं, और उन लोगों का कैरियर खत्म हो गया है, इसलिए मोदी का चमचाई कर रहे हैं। अगर जीतने चाटने का अगर कंपटीशन होगा ना, ये बॉलीवुड के अक्षय कुमार और अजय देवगन ही जीत जाएंगे, क्योंकि ये मोदी का चाटना शुरू कर दिए हैं, चापलूसी का हद होता है। एक चीज बोलना चाहता हूँ, अक्षय कुमार जो था 2014 से पहले क्या कहता था, उसकी मूवी आई थी एक अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, उसमें इसको एक डायलॉग बोलना था पाकिस्तान के खिलाफ, उसने मना कर दिया था कि मेरे पाकिस्तान में फैन है, मैं नहीं बोलूंगा, और वही आदमी आप देशभक्ति का ज्ञान दे रहा है। कहां से खबर लाते हो भाई साहब? खबर देखते तो खबर लाते हैं हम, गोदी मीडिया को फॉलो नहीं करते। अगर गोदी मीडिया फॉलो करोगे तो देश में सब कुछ सही है, अगर सच्ची मीडिया फॉलो करोगे तब पता चलेगा देश में क्या सही क्या गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हो हीरो हैं, हमारे हीरो ये भाई हैं किसान लोग। मैं एक बात कह रहा हूँ, चलिए आप रुके, अब मैं एक बात कह रहा हूँ, आप रुके ना भाई, रुके ना, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में रीढ़ वाला होना बड़ी बात होती है। सोचिए एक बार, आप सब ने नाम सुना होगा पेले का, आप सब ने नाम सुना होगा मैराडोना का, आप सब ने नाम सुना होगा मोहम्मद अली का। जब वियतनाम युद्ध हो रहा था, अमेरिका में मैंडेटरी था कि सबको युद्ध में हिस्सा लेना है, जब मोहम्मद अली जो कि अश्वेत खिलाड़ी थे, बाद में उन्होंने मोहम्मद अली नाम रख लिया था, तो मोहम्मद अली को जब कहा गया, दुनिया का महान बॉक्सर, जब मोहम्मद अली को कहा गया कि आपको लड़ना है वियतनामियों से, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनसे क्यों लड़ने जाऊं जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया है। इस देश में रीढ़ वाला होना बहुत बिरले आदमी मिलेगा, और जो रीढ़ वाला होता है उसकी कीमत चुकानी होती है। लालू यादव वही रीढ़ वाला नेता है जो आज जेल खट रहा है, क्योंकि उसने आरएसएस से समझौता नहीं किया। मुझे नहीं पता किसान जातियां जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इस सरकार में जो ये सरकार बनी है उसको बनाने वाले यही वो लोग हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, जो किसान जातियां हैं, यादव सबसे मजबूत है, कुर्मी है,
जिन लोगों के पास किसान है इस देश में, दलित पहले ही हाशिए पर है, मुसलमान पहले ही हाशिए पर है, अब किसानों की बारी है। मुझे पहले लगता था कि मीडिया जो है टेलीविजन अखबार वो दलितों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो किसानों के भी खिलाफ है। वो किसके साथ है ये आप लोग अच्छे से जान सकते हैं, सोशल मीडिया पर जाइए, जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ लिख रहे हैं, जो एंकर किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका टाइटल चेक कीजिए, उस चैनल के मालिक का टाइटल चेक कीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।